Uh, hello viewers uh, we are uh, to explore uh, concept of emotions it's uh, now the time to understand how these emotions are uh, basically uh, uh, attained and uh, what different theories आर रिफ्लैक्टिंग अबाउट दिज इमोशंस सपोज इवोल्यूशनरी थेरी ऑफ इमोशन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन इज द बेसिक इमोशन एंड लीड द पीपल टू वर्ड्स एक्साइटमेंट एंड द सिचुएशन इन विच दे कैन लिव टूगेदर और दे कैन रिप्रोड्यूस आइडियाज़ जनरेशन्स एंड डिफरेंट रिलेशन्स तो जो लोग आपस में इकट्ठे रहेंगे उनके दरम्यान देर शुड बी गुड एंड प्लेजेंट रिलेशनशिप और इसके लिए uh, जो दूसरी सूरत हाल है फ़ीलिंग फ़ियर uh, है उससे लोग दूर हटते हैं रिलेशंस ख़त्म होते हैं या कम होते हैं नफ़रतें जो ही पैदा होंगी तो समझें कि हम उन रिलेशंस को डिस्टॉर्ट कर, नफ़रतों को कम करना है मोहब्बतों को बढ़ाना है और प्लेजेंटनेस को बढ़ाना इनक्रीज़ करना है और अनप्लेज़ेंट सिचुएशंस को और खौफ जो है ना वो अनप्लेजेंट सिचुएशन है जिसमें द अदर पर्सन इज़ फीलिंग अनकम्फ़र्टेबल तो कम्फर्टेबिलिटी ह्यूमन नेचर है कि वो प्लेजेंटनेस में है ऑनर में है एक्सेप्टेंस में है इजहार के एक्सेप्टेंस में है और इजहार के तरीके में है कि हम अपनी बात को इजहार दें और दूसरा उस बात को सुने इजहार दूसरे के लिए जो कंफर्टेबल हो और खूबसूरत बात अच्छी बात इज मोर परफेक्ट वे टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस इसमें जो खतरनाक बातें होती हैं कि हमें किसी एक ऐसे एंडेंजर्ड सिचुएशन में ले जा सकती हैं वो नफ़रतें हैं और वो अनप्लेजेंटनेस है जो यानी तलख हकायक हैं बाद ऐसी बातें हो भी जाती हैं तो वी टू लोअर डाउन वाइल एक्सप्रेसिंग थोड़ा सा हम अगर अपने तौर पर इकदाम करें कि जिसका इजहार हमें करना है उसका लेवल जितना हमने सोचा है उससे कुछ नीचे हम आ जाए तो वी टू प्रिपेयर ओवर बॉडी दैट वेन एवर वी आर एक्सप्रेसिंग वी आर एक्सप्रेसिंग विद लो प्रोफाइल तो चीज़ें इमोशंस हमारे मैनेज होना शुरू हो जाएंगे इसी तरह आ, हम देखते हैं कि जो इमोशन हैं वो मोटिवेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो एबिलिटीज़ हैं आ, उसको रिकनसाइल करते हैं एनर्जाइज करते डबल अप बाजुकात सिचुएशन होती है कि वी गाट मोटिवेटेड एंड वी गाट एक्साइटेड, वी एम्पावर्ड और हमें ऐसे स्टिमुलस मिल रहे होते हैं जिससे हमें बाजुकात समझ भी नहीं आ रही एंड वी आर रेडी टू कंप्लीट दैट टास्क एंड वी रेडी टू मूव दैट टास्क और हम वो काम यकीन करना चाह रहे तो उसमें जो समझने वाली बात है वो आ, इजहार की एक्सेप्टेबिलिटी है रेस्पेक्ट है दूसरों के आइडियाज़ के, के साथ शेयरिंग है पार्टिसिपेशन है और उसका रिगार्ड है हर बात रिगार्ड नहीं हो सकती लेकिन उसको सुना तो जा सकता है उस पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं तमाम बातों पर अमल किया जाए लेकिन इजहार का मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए और उसमें आ, फैक्ट है इमोशंस हमारी सक्सेस का जरिया है हाउ इट इज़ मोर पॉसिबल वे दैट वी आर फीलिंग इमोशंस एंड वी आर डेफिनेटली लीडिंग एंड मूविंग टूवर्ड सक्सेस ऑफ द इवेंट क्योंकि हमारे पास एनर्जीज़ हैं हमारे पास होप है हमारे पास सक्सेस uh, हमें ऐसे दिखाई देती है जिसमें नाउमीदी की कोई ऐसी बात नहीं और ये लफ्स भी बाद हम यूज़ करने से अवॉइड करते हैं टू यूज गुड पॉजिटिव वर्ड्स विद द फुल इम्प्रेशन फुल एक्सप्रेशन और विद फुल, फुल कॉन्फिडेंस इसमें जो दूसरी थैरी है जैम लेंग थैरी ऑफ इमोशन इसका ताल्लुक़ फ़िज़िकल एबिलिटी से है कि हम अपने आप को अनर्जाइज करते हैं बाय फिज़िकल एक्सप्रेशंस और हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं बॉडी मूवमेंट हैं वो इस तरह से हैं कि हम करना चाह रहे हैं हम दौड़ना चाह रहे हैं दौड़ के हम वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं तो जब हमने अपने आप को रेडी कर लिया है अपने आप को यानी एक्विप कर लिया है कि हम आ, रेस रन करने लगे, यस उसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे और जब हम रेस रनिंग में आ जाते हैं तो कंपनीड सिचुएशन से जब हम लेट वी स्टार्ट तो उसके बाद फिर हम उस सिचुएशन में आने के बाद अपने आप को एनर्जाइज महसूस करते हैं और हम बढ़ते चले जाते हैं और फिर यह है कि अगली सक्सेस उस वक्त डबल अप हो जाती है व्हेन वी आर विनिंग द अदर्स एक स्टेप भी हम आगे चले गए तो हम समझते हैं कि वी गाट सक्सेसफुल इसमें जो इमोशंस उसके इजहार के लिए Uh, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं जो हम कंट्रोल करते हैं या उसको समझते हैं और उसके इजहार के लिए जब वो यकीनी हो जाती हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं तो बॉडीली वी प्रपेयर किसी ने कुछ जुमला कहा और हम उसकी एक्साइटमेंट के लिए तैयार खड़े हो गए तो फिर यह है कि इमोशंस का इज़हार होता है उसके बाद उसका इजहार किसी तरह से भी खुशी है तो ख़ुशी का इजहार दूसरा गम का है तो गम के लिए भी हम उठ खड़े होते हैं हम चल पड़ते हैं और फिर हम महसूस करते हैं कि हाँ ये गम की खबर है और इसमें जो रिएक्शंस हैं जो इमोशंस के रिएक्शंस किसी और ने एक्सप्रेस किया और हमने उसका जवाब दिया उसके लिए भी वी टू रेडी कि हमें हम उठते नहीं हम थोड़ा सा उसमें तोकुफ़ देते हैं बैठ जाते हैं और उसका इजहार उस तरह से नहीं करते कि हम थोड़ा सा चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं उस सिचुएशन को बदल लेते हैं यानी फिज़िकली वी मूव फ्रॉम दैट सिचुएशन तो वो एक्सप्रेशन हमारा कंट्रोल होने के लिए हमारी मददगार सिचुएशन में हमारे साथ है और इसमें हम अपने फिज़िकल रिएक्शंस को बाद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं देट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द कंट्रोल एंड टू अंडरस्टैंड द इमोशनल कॉन्सेप्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग